ध्रुव डेली जाता है उत्तम के पास खेलने के लिए। एक दिन राजा कचहरी में बैठे और जैसे ही उत्तम को गोद में लिए बैठे थे तब तक ध्रुव आ गया। ध्रुव ने जैसे ही देखा कि पिताजी गोद में लिए मेरे भैया को बैठे हैं, अपने भी दोनों हाथ उठा लिए कि पिताजी मुझे भी ले लें। अरे लाली तको दमाई चढ़न मनोरथ ध्रुवने की दोनों हाथ किए हैं गोद में लेने के लिए। कहा राजा के हृदय में इतना भेदभाव नहीं था, राजा ने ध्रुव को लिया अपनी गोदी में बैठा लिया, उत्तम को नीचे खड़ा कर दिया। लेकिन तब तक किसी चुगलखोर ने जाकर के महारानी साहिबा से चुगली लगा दी और चुगली घर की फूटन से घर बिगड़े कुरमा सारो जात नसाए। चुगला तो घर घर है और चुगलन से अगर घर बचा लिया तो घर घर रह जाएगा और चुगलों से अगर घर नहीं बचाया तो घर शमशान हो जाएगा। कहते हैं ना आर घर की फूटन से घर बिगड़े कुरमा सारो जात नसाए। सुरुचि ने ये बात सुनी, सुन करके सुरुचि एकदम भागी और भाग करके जैसे ही देखा राजा की गोद में ध्रुव बैठा है, सुरुचि कहने लगी महाराज
ये क्या कर रहे हो? दौड़ करके पास में गई और हाथों से केसों को पकड़ करके ध्रुव को नीचे घसीट के डाला और एक जमा दिया। कहा, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत जो महाराज की गोदी में बैठ गया। और बोली कि चल पूरी खड़ा हो यार नीचे, और किसके मुकाबले आया है, और है अकल तुम्हारी कहां धूप जो सर पे गधा चढ़ाया दिया है। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो महाराज, एक दासी के लड़के को गोदी में बैठा लिया। राजा ने कुछ नहीं कहा, और जब राजा ने कुछ नहीं कहा तो कहने लगी ध्रुव से बुंडागिन और बोली कि पूर्व जन्म में थोड़ा भी और हरि का भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कहा। पिताजी वहां कुछ नहीं बोले और ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया के पास में पहुंचा, मैया से जाकर के सारी बात कही। और जैसे ये माँ ने सुना तो माँ कहने लगी, लाला कोई बड़ी बात नहीं है, रो क्यों रहे हो, वो भी तो मौसी है। और मौसी मौसी और माँ कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, मौसी माँ जैसी होती है। अगर मौसी ने कुछ कह भी दिया तो परेशान क्यों होते हो, वो भी तुम्हारी माँ है। कहने लगे, नहीं ये बात नहीं है, मुझे मौसी का खराब नहीं लगा, खराब तो ये लगा कि मेरे पिताजी वहीं बैठे रहे और पिताजी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि इस ध्रुव से क्यों ऐसे बोल रही हो। मैया के मुंह से धोखे से निकल गया, लाला वो तुम्हारे पिताजी होते तब तो। क्या कहा माँ? बोले हाँ, इसका मतलब है कि वो मेरे पिता नहीं है। कहने लगी, नहीं लाला पिता तो हैं, पिता वो तेरे ही हैं। बोले, फिर आप ये क्यों कह रही हो कि पिताजी होते तब तो। बोले, लाला वो तेरे ही पिता हैं, लेकिन 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 ये कि वो तेरे असली पिता नहीं हैं, वो नकली पिता हैं। ध्रुव कहने लगा, मैया फिर हमारे असली पिता कहाँ हैं? बोले, वो तो वन में रहते हैं। तो फिर मैं वन में जाऊंगा। मैया नहीं समझती थी कि अगर मैं ये कह दूंगी तो ध्रुव बन जाने की सोच बैठेगा। ध्रुव ने प्रतिज्ञा कर ली और ध्रुव बन जाने की सोचने लगा और कहने लगा, मैया मैं तुम्हारे पाम लागू, मुझे विदाई दे दो, मुझे तो बन में जाना है। जब तक मैं पिता की गोदी को नहीं पा लेता तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा। और मैया बोला ध्रुव, मैया की मैया दे की पिदाई, की मैया दे की पिदाई, और तुम ही है राम
ऐसे ही लाला ने वहाँ से माँ से इजाज़त ली है, लेकिन माँ ने रोते रोते इजाज़त तो नहीं दी। ध्रुव वहाँ से चल दिया। फिर माँ कहने लगी, लाला तू नहीं मानता है तो जा, लेकिन मैं यहाँ मर जाऊंगी, मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी। आज भक्तो ध्रुव वहाँ से चल दिए और माँ रोती ही घर में रह गई।